हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। बेसिकली माय सेल्फ प्रमोद कदम। फिर से एक बार हम आज से नया डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि सीएमए फाइनल के लिए। आज से हम पेपर नंबर 19 कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, ये जो 100 मार्क का पेपर है इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर नंबर 19 सेकंड ग्रुप है सीएमए फाइनल लेवल का, तो इसका हम डिस्कशन आज से स्टार्ट करने वाले। देखो मैं फर्स्ट टॉपिक की बात नहीं करता यहाँ पर, फर्स्ट टॉपिक एकदम इंट्रोडक्शन है। उसमें एज देखोगे आप तो कोई भी एज 3-4 पेजेस मॉडल में दिए गए, आप आराम से रेफर कर सकते हो उसको। आपको इन डिटेल में कॉस्टिंग की हिस्ट्री जाननी है तो आप उसको रेफर कर सकते हो। अदरवाइज अगर हम बात करें वेटेज की तो 1-2 मार्क का एमसीक्यू या थ्योरी क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है, आया तो 1-2 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है, अदरवाइज वहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। बेसिकली ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें थ्योरी कंटेंट एज वेल एज प्रैक्टिकल कंटेंट बहुत कवर है। तो ये टॉपिक सबसे डेंजर टॉपिक भी माना जाता है और इससे मिनिमम 12 मार्क्स टू 16 मार्क्स का पेपर आज तक आया है और पेपर इससे पेपर बनता ही है 16 मार्क का। तो आप यहाँ पर इस यानी कि सेकंड जो स्टडी नोट है उसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, मिनिमम 10 मार्क्स आप इससे ला सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 मार्क्स का और थ्योरी क्वेश्चन उन्होंने अगर यहाँ पर हमें पूछा तो 8 मार्क का थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है। क्योंकि इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो है, जो भी कॉस्टिंग के रूल्स होते हैं, कॉस्ट ऑडिट के रूल्स होते हैं, तो इस टॉपिक से ही हम देखने वाले हैं। और इस टॉपिक यही टॉपिक हमारा बेस है। जब भी हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट देखते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो सेकंड वाला टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, उसके साथ साथ हम कुछ रूल डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ हम यहाँ पर बहुत से ऐसे फैक्टर डिस्कस करेंगे जो कि कॉस्ट अकाउंटेंट को कॉस्टिंग करते समय कंसीडर करने होते हैं। सो गाइज, मैं डिस्कशन एक बार आपका फिर से फोकस करना चाहता हूँ यहाँ पर। देखो जो टॉपिक का नाम है कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड एंड कॉस्ट ऑडिट रूल, जो आए थे वो रूल आए थे 2014 में, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें कोई अमेंडमेंट है क्या, कोई चेंजेस है क्या? जो भी अमेंडमेंट और चेंजेस है जहाँ पर मॉड्यूल में गिवन है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जो भी नया सोर्स मैं आपको यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ वो सोर्स पूरा मॉड्यूल का है। आप अगर मॉड्यूल रेफर कर रहे हो तो उसका मतलब आपको जब भी आप मॉड्यूल रेफर करते हो तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूल नंबर 2014 जो है, रूल 2014, तो उसमें बेसिकली हमें इसमें इस टॉपिक में 4 रूल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रूल नंबर वन उन्होंने ऐसे ही टाइम पास में बना दिया है। रूल नंबर वन बोलता है टाइटल, जो टाइटल दिया है टॉपिक का उसके लिए बनाया उन्होंने रूल नंबर वन। उसके साथ साथ रूल नंबर टू उन्होंने बनाया है डेफिनेशन के लिए, जो भी हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑडिट का मतलब क्या है, उसके साथ साथ कॉस्ट ऑडिटर का मतलब क्या है, उसके साथ साथ जो भी हम फॉर्म यूज करने वाले हैं उसको, वो फॉर्म की डेफिनेशन किस तरह से फॉर्म हम यूज करने वाले, उसके बाद हमारा मेन कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, इसकी भी डेफिनेशन हमें इसमें देखनी है। देन एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड, ये रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड की थोड़ी सी बात करें, आप सोच रहे होंगे कि कॉस्ट रिकॉर्ड किसको मैंडेटरी है, इसके लिए टर्नओवर पेड अप कैपिटल क्राइटेरिया दिया है। उसके अलावा भी उन्होंने क्या बोला है कि एप्लीकेशन अगर आपको करना है कॉस्ट रिकॉर्ड का, तो उन्होंने इंडस्ट्री को 2 सेगमेंट पे या 2 सेक्टर में डिवाइड किया है, एक तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर एंड सेकंड वन इज रेगुलेटेड सेक्टर। अगर मैं बात करूं नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की, तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर्स मींस जो भी एंगेज है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग, गुड्स प्रोडक्शन, उसके साथ साथ गुड्स में जो भी एक्टिवली एंगेज है इंडस्ट्री, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन रेगुलेटरी सेक्टर्स। उसके साथ साथ रेगुलेटरी सेक्टर, ये एमसीक्यू आ सकता है, अगर इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यू इस पर ड्राफ्ट किया तो एमसीक्यू बन सकता है, इसलिए आपके माइंड में ये चार अगर आपने लिख के लिया तो भी बेटर रहेगा। नेक्स्ट वन इज रेगुलेटरी सेक्टर, ये रेगुलेटरी सेक्टर क्या होता है या रेगुलेटरी सेक्टर क्या होता है, इसका मतलब सर्विस सेक्टर, जो भी हमारा सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मतलब कौन सा, टेलीकॉम इंडस्ट्रीज, उसके साथ साथ हम बोलते हैं आईटी इंडस्ट्रीज, ये जो होती है सर्विस सेक्टर है सर, इस पर भी कॉस्टिंग कॉस्ट
एप्लीकेबल है क्या कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट ऑडिट, इनको भी एप्लीकेबल? हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करो। उसके बाद रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर हमारे लिए, वो एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, किस किस को ये एप्लीकेबल है और कैसे एप्लीकेबल हो जाता है उसका हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली गाइस अगर हम बात करें इंडस्ट्री वाइज, तो नॉन रेगुलेटरी सेक्टर के साथ साथ उन्होंने यहाँ पर दूसरी भी, यहाँ पर जो भी आपकी डोमेस्टिक कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, इनको भी उन्होंने क्या कर दिया, कवर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि फॉरेन कंपनी है तो उसको कॉस्ट रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करने या कॉस्ट ऑडिट नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं, उनको भी उन्होंने यहाँ पर कवर किया। बट सर्टेन टू सम कंडीशन एज पर रूल 4, अगर वो रूल 4 की कंडीशन फुलफिल करेंगी तो ही उनको ये क्या मेंटेन या रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। सो गाइस बेसिकली हमारा कॉस्ट ऑडिट एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 148 जो है, हमें इसके अकॉर्डिंगली या इसके गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली क्या करना पड़ता है, कॉस्ट ऑडिट करना पड़ता है। गाइस मैं सेकंड वीडियो में रूल 4 का इन डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था इस टॉपिक का, और इस टॉपिक के आपको शॉर्ट शॉर्ट में वीडियो मिलेंगे 10-10 मिनट के, पूरा टॉपिक में कवर करने की कोशिश करूंगा और इन डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। गाइस आपको ये मेरा जो भी मैंने आपको अभी समझाया अगर अच्छा लगे तो आपके CMA फाइनल के फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, और मैं ये रूल जल्दी ही रूल नंबर 4 का लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा। गाइस टेक केयर, बाय बाय।